जोशीमठ में दरकती जमीन के बाद अब ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। भूधसाव के कारण दरारों की जद में आए बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर काफी झुक गए हैं, जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है और टेढ़े हो गए बिजली के खंभों को दुरुस्त किया जा रहा है। चीन के साथ पूर्वी सेक्टर में LAC पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अरुणाचल प्रदेश, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई युद्धाभ्यास करेंगे। IAF ने कहा कि पूर्वी वायु कमान फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान अपने वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का आयोजन करेगी। पूर्वी आकाश नाम का ये अभ्यास 2 साल बाद आयोजित किया जाएगा। जेसिंडा के इस्तीफे के ऐलान के बाद न्यूजीलैंड को नया प्रधानमंत्री मिलना भी लगभग तय हो गया है। न्यूजीलैंड के मौजूदा पुलिस शिक्षा और सार्वजनिक सेवा मंत्री क्रिस हिपकिंस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को से 240 यात्रियों को लेकर गोवा आ रहे एक विमान को बम की धमकी के बाद शनिवार तड़के उज्बेकिस्तान की ओर मोड़ दिया गया। दरअसल डाबोलिम एयरपोर्ट के निदेशक को देर रात 12:30 बजे एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें विमान में बम होने का जिक्र किया गया था। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की रोजमर्रा की सभी गतिविधियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। खिलाड़ियों के रैंकिंग वाले टूर्नामेंट भी रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली BBC की डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक करने का आदेश दिया है। BBC की डॉक्यूमेंट्री के YouTube के लिंक जिन ट्विटर के जरिए शेयर किए गए हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। भारतीय रेलवे की ओर से आज भी बड़ी तादाद में ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने आज देशभर में चलने वाली 393 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ज्यादातर ट्रेनें ठंड और कोहरे के चलते रद्द की गई हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने आज 22 जनवरी को 393 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा 21 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय विक्षोभ के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बारिश के चलते एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 27 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में बारिश होगी। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 23 से 27 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिलेगी।